नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश, आप देख रहे हैं टीटी। सो आज के एपिसोड में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में जो कंप्यूटर में अवेलेबल है दोस्तों। सो चलिए शुरू करते हैं। सो आजकल मार्केट में अगर हम एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर्स की बात करें जो हमें स्क्रीन रिकॉर्ड करने में बहुत ही मदद करती हैं, सो मैं आज उन्हीं में से कुछ टॉप फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर्स के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ दोस्तों। ये बड़ी ही आसान होते हैं सॉफ्टवेयर्स। अब यहाँ पे पहला जो हम बात कर रहे हैं पहले सॉफ्टवेयर की, सो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था VLC मीडिया प्लेयर के थ्रू कि हम स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं किस तरह से। और एक रिलायबल ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है और एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर्स का ये रिलायबल ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है, और यही रिलायबल ऑप्शन के बारे में मैं आपको एक्सटर्नली एक्सप्लोर करने वाला हूँ टॉप फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर्स के बारे में। सो यहाँ पे सबसे पहला नंबर आता है आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर का। आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम 5 मिनट की जो है वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बड़ी आसानी से। यहाँ पे हमें ड्राइंग के टूल्स मिलते हैं और एक्सटर्नल कई चीज़ें मिलती है। सिंपल इंटरफेस है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई चीज़ एक्सटर्नल हमें चाहिए नहीं है। अगर और आप इसके साथ ही आपको वेबकैम अलाउ भी होता है यहाँ पे, और आप हमारा वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। सो इसका प्रो वर्जन भी अवेलेबल है जो हमें बाय करना पड़ेगा। सो हम कई ऐसे ये बहुत ही बेहतर और अच्छा सॉफ्टवेयर है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में। अब यहाँ पे और एक अगला आता है, ये है कैम स्टूडियो। ये भी इतना सिंपल इंटरफेस होता है इसका और बहुत ही अच्छा और परफेक्ट है ये कैम स्टूडियो। काफ़ी सिंपल इंटरफेस है, आपको बस एक बटन दबाना है और दो बटन अगर आपके पास रिकॉर्डिंग के लिए वेबकैम है, दो बटन दबाने के बाद आपकी पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। काफ़ी सिंपल इंटरफेस होता है और अब तक का सबसे सिंपल इंटरफेस मैंने इसका ही देखा है। बहुत ही अच्छा और स्मूथ ऐप है, बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं उसे रिलायबल ऐप है और फ्री भी है पूरी तरह से। हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कोई भी ऑर्डिनरी कंप्यूटर में चल जाता है ऐप। सो अब अगला आता है माइक्रोसॉफ्ट एनकोडर, एक्सप्रेशन एनकोडर। ये ऐप काफ़ी अच्छा है, ये सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा है और ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है। और यहाँ इसमें 10 मिनट तक की रिकॉर्डिंग हम कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से, 10 मिनट तक की हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ ये एक बहुत ही रिलायबल ऑप्शन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बहुत एकदम सिंपल और ऑफिशियल होने का कारण बहुत अच्छा और स्मूथ काम करता है। यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं आती इसको को ऑपरेट करते वक्त, और यहाँ पे हम कस्टम चीज़ों भी तैयार कर सकते हैं दोस्तों। सो काफ़ी आसान है, यहाँ पे हम कस्टम एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कई एक्सटर्नल फीचर्स हमें इस ऐप में भी मिलते हैं। और जो टॉप का ऐप है फिलहाल, टॉप का जो सॉफ्टवेयर फिलहाल चल रहा है, ये सॉफ्टवेयर OBS ओपन ब्रॉडकास्ट सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर जो भी आप कह रहे हैं, ये इतना रिलायबल स्मूथ है। यहाँ पे आपके पास हर चीज़ की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल होती है, कोई एक्सटर्नल फीचर्स को आपको एंटर वगैरह नहीं करना होता है, कोई एक्स्ट्रा फीचर्स और प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं दोस्तों। सो यहाँ पे हमें बड़ी ही आसानी से ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। OBS ये सॉफ्टवेयर टॉप का सॉफ्टवेयर है, काफ़ी सिंपल इंटरफेस है, किसी भी एक्स्ट्रा और कोई भी ऑर्डिनरी कंप्यूटर में बड़ी आसानी से काम कर देगा दोस्तों। ये है कुछ टॉप के स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, ताकि रोज़ ऐसे नए टेक वीडियोज़ देखते रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।